हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का मेरे इस ब्लॉग में। काफ़ी दिन के बाद आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी नवरात्रि का टाइम है और नवरात्रि आज 3 दिन बीत चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं नवरात्रि का ब्लॉग किया जाए। मैं भी नहीं गया अभी तक बाहर, तो सोचा कि चलो माता जी के दर्शन कर लिया जाए। तो चलते हैं दर्शन करके आते हैं माता जी को, तो साथ में आप लोग को भी कराता हूँ शेर माता जी से। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। शुरू करते हैं इसी के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी बज रहे रात को 7:30, तो चलते अभी माता जी का दर्शन करने। मैं अपना मास्क लगाना भूल गया था, तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग अभी इधर से। चलते हैं, अभी बाहर जाने से पहले मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को पता है अभी भी कोविड चल ही रहा है, इसीलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। चलते हैं अभी सीधा माता जी के दर्शन करने। घर से बाहर निकलते ही रास्ता पूरा सुनसान है। अभी टाइम हो रहा है 7:38, रास्ता पूरा सुनसान। सोच रहा हूँ माता जी के दर्शन किधर करूँ। देखते हैं पटेल सुपर मार्केट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बुलाया तो हम निकल पड़े हैं माता जी के दर्शन करने, जैसे कि आप लोगों को बताया था। देखते आगे क्या क्या होता ट्रेन। जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे एक साईं बाबा का मंदिर जरूर दिख रहा है, तो मैं निकल भी मैं आप लोग को दर्शन कराता हूँ साईं बाबा से। माता जी से तो दर्शन करके ही जाएंगे घर पे आज। किया मैंने तुझ पे एतबार, किया मैंने तुझ पे एतबार, के आगे साईं तू जाने आगे साईं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ने देखा साईं बाबा का मंदिर था, वहाँ पे मैंने भी माथा टेका, लेकिन मैं आप लोग से ये नहीं दिखा पाया कि मैं माथा टेका, क्योंकि मैं ही सूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। बट आप लोग मैं जरूर देखूँगा साईं बाबा जी। जय साईं बाबा। हम लोग आ गए, काफ़ी दूर चल चल के आ गए हैं, ये और चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, माता जी से दर्शन करेंगे। काफ़ी दिन चल चल के आ चुका हूँ, बट कहीं पे भी माता जी का स्थान अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो देखते हैं अभी किधर मिलते हैं माता जी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड, आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल का। ऐसे मैं ब्लॉग करता नहीं हूँ, बट सोच रहा हूँ करूँ, ब्लॉग ही करूँ। अगर मेरे चैनल पे आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरा पिछले वाला ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर आप प्लीज़ देखिए एक बार, पीछे वाला ब्लॉग कैसा है। आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर बताओ, ठीक है। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है
बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। नवरात्रि कहीं पे भी नहीं, तो हम लोग भी हार मानने वाले में से दो ही हैं। माता जी के दर्शन करने आए हैं तो करके ही जाएंगे, जहाँ पे नवरात्रि होता होगा ना वहीं पे जाएंगे। और ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ पे होते हैं नवरात्रि, देखते हैं। अभी तक तो फिलहाल में कहीं पे भी नहीं मिला है। मिलेंगे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे फ्रेंड, मिलेंगे। मैं थक चुका हूँ चल चल के, अभी और नहीं चला जा रहा मेरे से, वो छोड़ते हैं अभी, कल देखते हैं, पता करता हूँ, कल आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। तब तक के लिए बाय। तो ये है मेरा दोस्त, इन्होंने ये बताया नवरात्रि कहाँ पे होता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने दोस्त लोग को फ़ोन किया, उसके बाद पता चला कि जो है नवरात्रि हो रहे हैं, तो फाइनली हम लोग आए हैं और आप लोग को दर्शन कराता हूँ माता जी से। फ्रेंड जैसे कि माता जी का दर्शन हो गया है और आप लोग को भी करा ही दिया माता जी के दर्शन, तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर करना वीडियो को अच्छा लगा होगा। बाय।